हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेसिक और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ज़्यादातर, कि जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब इसको किसी लिक्विड में हम इमर्श करते हैं, जब उसको किसी लिक्विड में हम डालते हैं तो उसकी फोकल लेंथ किस तरह से चेंज होती है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में भी और एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। ठीक है, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्स इन वाटर या फिर किसी भी लिक्विड में। देखो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। कैसे, हमें क्या बताया लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन एफ इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें जो एन टू होता है और एन वन होता है, एन टू जो है वो लेंस का मीडियम है, मीडियम ऑफ लेंस, मीडियम ऑफ लेंस, और एन वन जो है वो है एनवायरमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस। एन टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस और एन वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है जिसमें वो लेंस अभी पड़ा है। जैसे अगर लेंस मेरा अभी एयर में है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ इक्वल्स टू, सपोज इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन है लेंस का, यानी एन टू की वैल्यू एन होगी और एन वन फॉर एयर इज वन, एयर के लिए एन वन की वैल्यू वन होगी, यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे एन वन वन हो जाएगा, एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस लेंस को किसी लिक्विड में इमर्श कर रहा हूँ, अब मेरे पास ये पूरा लिक्विड है, यहाँ पे इसमें लिक्विड है, ये लेंस मैंने इसमें डाल दिया, तो यानी अब जो एन वन की वैल्यू हो गई वो ये लिक्विड की जो वैल्यू है वो हो गई, इस लिक्विड की जो वैल्यू है वो हो गई, एन डैश बोल देते हैं इसको, और ये एन है, ठीक है। अब जो मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एन अपॉन एन डैश माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम, ये वन अपॉन एफ वन है, ये वन अपॉन एफ टू है। अब इस वाले केस में ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से ज़्यादा है, ये दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे एन माइनस एन वन है, यहाँ पे एन अपॉन एन डैश माइनस वन है, ठीक है। यहाँ पे एन माइनस वन है, यहाँ पे एन अपॉन एन डैश, सीधी सी बात है ये टर्म छोटी होगी, यानी वन अपॉन एफ वन इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन एफ टू। अगर किसी चीज़ का रेसिप्रोकल, अब वन अपॉन एफ वन इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन एफ टू, तो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लूँ दोनों तरफ, तो एफ वन इज़ लेस देन एफ टू। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब मैंने लेंस को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे गिवन है एन डैश, तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो गई, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो गई, मतलब लिक्विड में इमर्ज करने के बाद फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेस। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और हमने वो ये इसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम लेंस को किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ होगी, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ होगी, सीधी सी बात है। अब देखिए, इसमें एक स्पेशल केस बनता है, अगर ये लिक्विड जो है, अगर ये लिक्विड जो है ये एन डैश, ये एन डैश सपोज़ ये जो एन है इसकी वैल्यू 1.5 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5 एंड एन डैश, अब कोई लिक्विड है वाटर नाव की, कोई लिक्विड है जिसकी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.65। अब देखिए, जो मेरा 1 अपॉन एफ टू आएगा वो 1.5 अपॉन 1.65 माइनस 1 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू आएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ अब नेगेटिव हो रही है, इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। जो लेंस पहले कॉन्वेक्स लेंस था एयर में,
वो किसी ऐसे लिक्विड में जब हमने इमर्ज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो हमारा फोकल लेंथ क्या बन गई, हमारी फोकल लेंथ बन गई नेगेटिव। मतलब जो पहले कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा था, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा था, वो इस तरह के केस में डाइवर्जिंग लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। अगर मेरा एंडेज जो है वो एन से बड़ा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, अगर ऐसा केस होगा तो मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, यानी कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग हो जाएगी। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा बनता है वो। अब मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे आपने हमेशा ऑब्जर्व करी हुई चीज़, अगर मेरे पास कोई भी जैसे वाटर बॉटल ही है, ये वाटर का कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा इसमें बबल्स बनते हैं, जैसे एक बबल यहाँ पे है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो बबल है इसका नेचर कैसा होगा, ये बबल जो है, ये बबल जो इसमें फॉर्म हो रहा है इसका नेचर कैसा होगा, मतलब ये कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। देखो ये एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, कैसे करेगा मैं बताता हूँ मैं, ठीक है, और इसका नेचर भी देखेंगे, कन्वर्जिंग लेंस होगा या डाइवर्जिंग लेंस होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। अब हमें पता है जो बबल है इसके अंदर क्या होता है, एयर होता है, बबल के अंदर एयर है, बाहर क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, वाटर बोल देते हैं, लिक्विड वाटर, ठीक है। अब यानी एयर क्या है यहाँ पे, डेंस रेयर मीडियम है, और लिक्विड क्या है यहाँ पे, डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस सिस्टम के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लिखूँगा, 1/f n2/n1 -1 1/r1 -1/r2, अगर मैं ये लिख रहा हूँ इस केस में, देखो n2 और n1 की वैल्यूज़ में क्या रखूँगा, n2 मैंने क्या बताया था, n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम, और यहाँ पे लेंस मीडियम की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ये वाटर बबल, यानी n2 की वैल्यू कितनी हो गई, n2 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, और n1 जो है वो क्या है, n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको n बोल देते हैं कि n1 की वैल्यू n है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू रखूँगा तो 1/n -1 और 1/r1 -1/r2। अब यहाँ से हमें दिख रहा है 1/n -1 इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो यानी ये पूरा क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर ये पूरा एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है 1/f, तो एफ भी एक नेगेटिव वैल्यू होगा, एफ भी क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू होगा। नेगेटिव वैल्यू एफ की कब आती है, फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए होती है, फॉर कॉनकेव लेंसेज, कॉनकेव लेंसेज के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, या फिर डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो एयर बबल इन अ लिक्विड बिहेव्स एज अ कॉनकेव लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।